देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात एक फौजी की पत्नी से दो युवकों ने गैंगरेप किया है। इतना ही नहीं, महिला का न्यूड वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर 4 साल तक उसके साथ बार बार दुष्कर्म करते रहे। महिला से 2 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। आरोपी महिला को कभी गेस्ट हाउस तो कभी होटल में मिलने बुलाते थे। विरोध करने पर महिला को मारते पीटते थे। सबसे पहले आरोपी ऑटोमेटिक गैस चूल्हा खरीदने पर उसकी फिटिंग करने आया था। उस समय उसने घर में अकेला पाकर गले पर पेचकस अड़ाकर रेप किया था। घटना मुरार की हरिओम कॉलोनी की है। उपनगर मुरार के हरिओम कॉलोनी में रहने वाली 36 वर्षीय जाफरा अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। उनके पति भारतीय सेना में जवान है। वर्ष 2018 में उनकी पदस्थापना जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर थी। फरवरी 2018 में महिला घर के लिए ऑटोमेटिक गैस चूल्हा लेने के लिए ग्वालियर व्यापार में लगाई थी। यहाँ उनकी मुलाकात सेल्समैन गोविंद थापक से हुई थी। वहां गैस फिटिंग करने के नाम पर गोविंद ने महिला से उसका एड्रेस व नाम मोबाइल नंबर ले लिया था। 3 दिन बाद वह महिला के घर पहुंचा और यहां गैस फिटिंग करके चला गया। यहां उसने बातों ही बातों में घर का माहौल जज कर लिया। इसके 2 दिन बाद वह गैस चेक करने के बहाने आया। महिला घर पर अकेली थी। यहां उसने उसके गले पर एक पेचकस अड़ाकर रेप किया। उसका न्यूड वीडियो शूट कर लिया। इसके बाद वह अक्सर घर आकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। कभी भी होटल में मिलने बुलाता और दुष्कर्म करता। बात नहीं मानने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। वर्ष 2020 में जब कोविड का दौर चल रहा था तो गोविंद अपने एक दोस्त धर्मेंद्र उर्फ धर्मा रजक को मेरे घर लेकर आया। यहां उसने और उसके दोस्त ने मेरे साथ गैंगरेप किया। विरोध करने पर मारपीट की। इसके बाद उसका दोस्त भी जब मन चाहता मेरे साथ दुष्कर्म करता, जिससे मैं परेशान हो चुकी थी पर बदनामी के डर से खामोश रही। साल 2021 में महिला के पति का ट्रांसफर जोधपुर हो गया। जब वह अपने पति के पास गई थी तो आरोपी वहां भी पहुंच गया। होटल में मिलने बुलाकर दुष्कर्म किया। यहाँ उसने 2 लाख रुपए भी ब्लैकमेल कर महिला से ऐंठे। इसके बाद भी वह लगातार उससे रुपए मांग रहा था। 20 मई तक दोनों ने उसके साथ गैंग रेप किया है। जब बच्चों को मारने की धमकी दी तो पीड़िता ने पति को फोन पर पूरी बात बताई। फिर मुरार थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस मामले में थाना प्रभारी मुरार शैलेंद्र भार्गव का कहना है कि महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।